जो मध्य के अंतर्गत है। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर की जो शिव पिंडी है, भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, भगवान शंकर का जो शिवलिंग का स्मरण है, आप लोग जरा देखेंगे आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से आप लोग उसको समझेंगे। ये शंकर भगवान का शिवलिंग है। जितने लोग एलईडी पर देख रहे हैं वो एलईडी पर, जितने लोग आस्था चैनल पर देख रहे हैं वो आस्था पर, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर देख रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पर। मान लो ये शंकर भगवान का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जलाधारी का भाग जहां से जल अपन यहां चढ़ाते हैं तो यहां से नीचे की ओर चला जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे घर में पितृ दोष है, जब कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे घर में आहुत दोष है, कोई तुमसे कह दे तुम्हारे घर में कालसर्प दोष है, जब कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे घर में वास्तु दोष है, कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे घर में ये दोष है, उस समय पर भगवान शंकर के ऊपर जब जल समर्पित करो तो ये शिवलिंग का जो मध्य बिंदु होता है इस उंगली को त्याग कर तीन उंगलियों का स्पर्श करते हुए भगवान शंकर को अपना गोत्र का स्मरण कर दीजिए। कैसा भी दोष घर में लगा होगा वो दोष समाप्त होगा ही, वो दोष मिटेगा ही। पितृ दोष हो, सर्प दोष हो, कैसा भी दोष हो, शंकर भगवान के शिवलिंग का मात्र स्पर्श कर लेने पर, जल का पात्र चढ़ाया स्पर्श कर लिया, जल का लोटा चढ़ाया स्पर्श कर लिया, मात्र